वीडियो बना के रखा बंद करके तुम्हारे पांच चार बंदे बीजेपी लग रही है आज जो आपने सर जाखड़ में जो ये विरोध प्रदर्शन किया है, काले झंडे दिखाए हैं, ये किस लिए, क्या क्या ये क्या कारण था जी, जो आज इतने किसान इकट्ठे हो रहे हैं और किस चीज का विरोध कर रहे हैं? सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो मोदी सरकार है तीन काले कानून लेकर आई है उनका विरोध कर रहे हैं। और मानू पता जाखड़ के सारा अपना किसान बुलाना की मीटिंग थी, मानू इन्फॉर्मेशन मिली भी सुधाणी सुभाष बराला जी बैठेंगे। हमें उसी टाइम पार्क के बच्चे सारी संगत सारा आंदोलन के कार्यकर्ता उठकर बैरियर चौंक पाए, बैरियर चौंक से मानू उसे विरोध करे, मानू पता लगे भी तलवाड़ा है जा रहे तलवाड़ा चौंक, तलवाड़ा से भी हो सही चोर मोरी लंघ गया बच के अपना बाबा रामदेव बाबू जनानी वाले कपड़े पा के दूसरे पास एक लंघ गया। ठीक है, संघर्ष करते हैं कि सारे की जीत हुई है सरकार की। क्या जो आज जाखल ब्लॉक में सुभाष बराला के प्रोग्राम थे वो सभी उन्होंने रद्द कर दिए जब वो अपने प्रोग्राम करके चले गए? अच्छा जी, ये सब किसान हैं आज सुभाष बराला जी जाखल ब्लॉक के कई गांवों में उन्होंने अपना दौरा रखा था, कहीं मरगत में आ रहे थे तो कहीं किसी से पैसे मिलने आ रहे थे, लेकिन ये कई गांवों के जो जाखल ब्लॉक के सभी किसान थे इकट्ठे हुए और सुभाष बराला को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया गया, जिसके विरोध से डरते हुए सुभाष बराला पंजाब की सड़कों से होते हुए निकल गए, वो चोर रास्ते से निकल गए। ये सभी किसान बता रहे हैं कि उन्होंने अपने सभी प्रोग्राम रद्द कर दिए और इन किसानों का कहना है कि जो भी कोई नेता आगे से पार्टी का कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता किसी भी गांव में, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है चाहे वो कोई भी कारण हो, यदि वो गांवों में आएगा तो उसका विरोध होगा। और हो सकता है, ये कह रहे हैं कि उनका आगे उनके जो वही हालात होंगे उनके साथ जो हमारे साथ सिरसा में हुए थे या पिपली में हुए हैं। धन्यवाद जी। जो आपने अधिकारी झंडे दिखाए आपका मकसद क्या था? आज हमने हमारे को पता चला था जी कि जाखल ब्लॉक के कई गांवों में बीजेपी प्रदेश पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी आ रहे हैं। हमको जब सूचना मिली तो हम उसी टाइम जाखल ब्लॉक के कई गांवों में विरोध प्रदर्शन किया और उनको काले झंडे दिखाए गए, जिससे डरते हुए सुभाष बराला जी पंजाब के गांवों से निकल के भाग गए हैं। आज उन्होंने जाखल के जो भी प्रोग्राम थे उनको रद्द कर दिया है, इसलिए हम आगे से भी उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि जो भी कोई पार्टी पक्ष का या किसी अन्य पार्टी का कोई भी नेता यदि गांवों में आएगा, चाहे वो सुख में आएगा चाहे वो दुख में आएगा, हम उसका कड़ा विरोध करेंगे। हम हो सकता है कि कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि किसानों की जमीन ही माता है और वो जमीन को छीन रहे हैं। कल सुभाष बराला का बयान आया था, हमारे सब साथी जो चाहे वो बीजेपी से था चाहे वो जेजेपी से था चाहे वो कांग्रेस से था, वो कल टोहाना के विरोध प्रदर्शन में गए थे और टोहाना का विरोध प्रदर्शन देखकर उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया था। और उसके बाद में उनका बयान आया था कि ये सभी लोग किसी पार्टी से यहाँ जो विशेष पार्टी से उनका विरोध हो रहा है, लेकिन हम उनको समझाना चाहते हैं कि हम जो भी है ये सारे किसान हैं, ना ये बीजेपी से हैं ना ये जेजेपी से हैं, हम उनका कड़ा विरोध करते हैं। चाहे कोई भी पार्टी का कोई भी नेता आएगा हम उन्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। जैसे कि आज आपको पता है सुभाष बराला जी ने आज यहाँ प्रोग्राम रखे थे, उनको जब हमारे के विरोध का पता चला तो उन्होंने अपना विरोध
देखकर हमारे विरोध को देखकर उन्होंने अपने सभी प्रोग्राम रद्द कर दिए और वो पंजाब के रास्ते से चूलड़ के रास्ते से भाग खड़े हुए जाखल ब्लॉक के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। हम साफ चेतावनी दे रहे हैं सरकार को और सत्ता पक्ष के सभी नेताओं को कि आप सोच समझ कर गांवों में चक्कर लगाएं, कहीं आपके साथ कोई भयावह घटना ना हो जाए, क्योंकि हमने पहले भी गांव के हर गांव के मोड़ों में बोर्ड लगा रखे हैं कि जो भी आएगा वो अपने जान माल का खुद नुकसान का जिम्मेवार होगा। अरे यदि ऐसे ही चलता रह गया तो वो हमें किसानों को भड़का रहे हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि किसान इस बिल के समर्थन में, जो जितने भी किसान खड़े हैं सब इस किसान विरोधी बिलों का विरोध कर रहे हैं। हम ये बिल वापिस नहीं होंगे तब तक हम किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को गांवों में या हमारे जाखल ब्लॉक में किसी को भी नहीं आने देंगे। हो सकता है आगे से कोई गलत कार्रवाई हो जाए, हम इसलिए हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आप गांवों में आना बंद कर दीजिए। इसके आगे नहीं, आपको पता है जैसे आपने हमारे साथ सिरसा में या पिपली में किया ऐसे हम करने पर हमें मजबूर मत करें।